हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी को सिंपल मीनिंग में अगर हम समझने की कोशिश करें तो पॉसिबिलिटी भी हम कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आप उसका कितना लॉजिकली एक पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो, इसके बारे में है। ओके, तो ये पूरा टॉपिक उसी पर बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है आप लोग समझ नहीं गए, हम कॉइन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। सिक्के का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल है। कॉइन के दोनों तरफ, एक तरफ होता है हेड और दूसरी तरफ होता है टेल। ओके, अक्सर क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा हेड्स एंड टेल्स जैसा कुछ होता है मैच खेलने से पहले, तो ये इस्तेमाल होता है। तो एक तरफ है हेड्स और दूसरी तरफ है टेल्स। तो ये एक कॉइन की बात हो रही है। अगर एक कॉइन को अगर हम देखें तो एक हेड और एक टेल होगा। दो कॉइन्स लेंगे तो क्या होगा, हेड टेल ऐसा कुछ रह सकता है। ओके, या तो ऐसा होगा, दो कॉइन्स को अगर एक साथ उड़ाएंगे तो कैसे हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, दोनों कॉइन को एक साथ जब आप फेंकते हो तो आइदर ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं जिसमें दोनों, एक कॉइन में हेड आ सकता है और एक कॉइन में हेड आ सकता है। दूसरी बार अगर जब आप फेंकने जा रहे हो तो वो कॉइन में, एक कॉइन में हेड आएगा, दूसरे कॉइन में टेल्स आ सकता है। तीसरे कॉइन में ऐसा आएगा कि टेल्स होगा, दूसरे कॉइन में हेड होगा। ऐसे जब आप अटेम्प्ट्स करते जाते हो तो आपको ऐसे चार पॉसिबिलिटीज़ मिल सकते हैं। दो कॉइन्स की अगर हम बात करें, दो कॉइन को अगर हम एक साथ ऐसे हवे में थ्रो करेंगे तो कैसे आ सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है। तो यही है प्रोबेबिलिटी का जो टर्म है, इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्टेट किया है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिखाऊंगा, इसको ज़रा सा रेक्टेंगुलर मोड में आप ले सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन को एकदम रेक्टेंगुलर मोड में लेके आप देख सकते हो। यहाँ पर पहला है वन कॉइन इज टॉस्ड, तो हमने अभी डिस्कस किया हेड एंड टेल। तो इसमें आप देख सकते हो एस इज इक्वल्स टू एच और टी ब्रैकेट में, एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस। ओके, ये बात याद रखना, एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, मतलब कितना, मतलब पॉसिबिलिटी है एक कॉइन में क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। दो कॉइन में आ सकता है जैसे कि मैंने बताया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ओके, और जो तीसरा कॉलम है आप देख सकते हो एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ और ब्रैकेट में एस है, एन मतलब नंबर ऑफ सैम्पल। ओके, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं। तो पहले कॉइन का क्या है, पहला वन कॉइन इज टॉस्ड में हेड एंड टेल है तो दो, टू कॉइन्स अगर आप फेंकोगे एक साथ तो उसमें होते हैं चार पॉसिबिलिटीज़। थ्री कॉइन्स का भी यहाँ पर बताया गया है कि तीन कॉइन्स को एक साथ अगर आप उड़ाओगे तो तीन हेड आ सकते हैं, तीन टेल्स आ सकता है, या तो हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सब आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, या तो एक बहुत ही ट्रिकी वे में आप लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसका क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एट है। वैसे ही डाइस के बारे में, डाइस मतलब जो आप लूडो में खेलते हो या तो सांप सीढ़ी खेलते वक्त यूज़ करते हो, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक चार चारों तरफ डाइस का अगर आप देखोगे तो टोटल सिक्स ही होते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन डाई इज सिक्स। अगर दो डाइस फेंका जाएगा तो क्या होगा, इसमें इस तरह से होगा कि 36 नंबर ऑफ सैम्पलिंग स्पेस होगा। ओके, तो मैं आप लोगों को इसका ट्रिक बताऊंगा जब हम सॉल्व करेंगे सम। ओके, अभी तो मैं आप लोगों को बस बेसिक बता रहा हूँ, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो। कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स का आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सब आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कार्ड्स के बारे में ज़्यादातर, ये पत्तों के बारे में जो खेलते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। तो कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक बेयरिंग नंबर 1 to 25, तो 1 से लेकर 25, तो नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट्स होगा भी 25। लेकिन अगर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो ऐसा बहुत चांसेस होता है कि ये वाला डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब, ये सब का कितने टोटल नंबर है, क्या है, वो सब आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आप लोग ये पॉज करके देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो। ओके, तो देखो 5.1 का अगर हम बात करें, 5.1 में तो कुछ नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर लिखा है पहला वाला, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, तो वनीता करके जो पर्सन है उसको साइट्स मतलब जो घूमने लायक जगह होते हैं। ओके, तो ये सब
जगहों के बारे में पता है, जैसे अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरन, आनंदावन, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ है। तो इसमें कितने टोटल साइट्स है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इतना ही लिखना है, देयर आर 8 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये लिख देना। ओके, और ऐसा भी लिख देना, देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। ओके, 8 पॉसिबिलिटीज, मतलब जो वनीता है वो शायद समर वेकेशंस में ऐसे 8 जगहों का प्लानिंग कर रही होगी। ओके, ये जगहों का, और इसमें टोटल 8 साइट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है वनीता इन 8ों जगहों पे पॉसिबल है उसको जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज समर वेकेशन के टाइम पे उसको इजी हो सकता है। तो देर आर 8 पॉसिबिलिटीज़, ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ विजिटिंग, सिंपल लिख देते, विजिटिंग अ साइट आउट ऑफ 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकेंड वाला भी देखिए, एनी डे ऑफ द वीक टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो डेज ऑफ द वीक कितने दिन होते हैं? 7 डेज, ये बात याद रखना। तो इधर लिख देना, देयर आर, आंसर है ये तो ऐसे ही लिखा है मैंने, आंसर यहाँ से, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, बराबर, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। और एंड देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, ऐसा भी लिख सकते इसकी तरह, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, ये पूरा लिख दो, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई काम करना हो, 7 दिन है आपके पास, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक ही कंप्लीट करना हो, तो आप सोचोगे ना कि हाँ मुझे ट्यूसडे का दिन स्पेसिफिकली इस दिन बुक कंप्लीट करना है। तो ये टोटल आपके पास 7 डेज होते हैं, उसमें से आप कोई भी दिन रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, अ डे ऑफ अ वीक, ऐसा लिखना है। थर्ड वाला देखते हैं, ये बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है इसीलिए, दे सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ओके, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आप एक कार्ड उसमें से निकालते हो, तो 52 में से आप कोई भी एक अंदाजू, कोई भी अंदाधुन कार्ड निकाल सकते हो। तो ऐसा ही लिखना है, देर आर 52 लिखा है इधर, तो मैं 52 ही लिख देता हूँ, 52 कार्ड्स इन अ बॉक्स, लिख सकते हैं इन अ बॉक्स, बॉक्स में भी हो सकता है, पैक ऑफ कार्ड्स। ओके, सो यहाँ भी सेम लिखना, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग, ये वर्ड भी सही रहेगा, ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, जो भी इजी है। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। तो 10 से लेकर 20 तक जब आप गिनोगे तो टोटल कितने आते हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देर आर 10 से लेकर 20 तक अगर आप एग्जैक्ट गिनोगे, 10 से शुरू करिए 20 तक, तो टोटल आता है 11 नंबर्स। ओके, देर आर 11 रिटन ऑन ईच कार्ड, सो देर आर, लिख सकते हैं, देर आर 11 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 10 टू 20। ओके, सो देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज इन, सॉरी, ऑफ सिलेक्टिंग लिख देता हूँ, ऑफ सिलेक्टिंग मतलब 10 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर आपको सिलेक्ट करना है उस कार्ड का, सिलेक्टिंग एन या एनी नंबर कार्ड ओके, सिलेक्टिंग एनी नंबर कार्ड। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, ये एक जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ था, 5.1। 5.2 देखते हैं, 5.2 में बहुत ही, वहाँ से एक्चुअली असल ये शुरू हो जाता है।
ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिस सेट 5.2 करेंगे और इसमें देखेंगे, मतलब आपने अगर टेबल अब तक पढ़ा होगा, आप लोगों को टेबल के बारे में समझ में आया होगा जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था, वो कॉइन और डाइस एंड वगैरह कार्ड्स के बारे में, तो इजीली आप 5.2 कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैम्पल स्पेस एक्स एस सॉरी एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स नंबर ऑफ एस। सो वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक वन कॉइन एंड वन डाई, मतलब वो जो लूडो में खेलते हैं एज आई सेड, उसको आप एक साथ फेंकोगे। तो पहली बात देखो, डाइस में क्या होता है, वन छः ये होते हैं, 3 4 5 6, और इसमें कॉइन में क्या होता है, हेड्स और टेल्स। अब इसको इस तरह से लिखना है, अभी मेरे को एस लिखना है बिकॉज ये सैम्पल सैम्पल स्पेस का ये है शॉर्ट फॉर्म है, और नंबर ऑफ एस मतलब ये होता है सैम्पलिंग पॉइंट्स या सैम्पल पॉइंट्स। इसको इस तरह से आप जो शुरू करते हैं, और इसमें देखो पहली बात तो हेड से शुरू करेंगे, अगर आप कॉइन और ये फेंकोगे तो कैसे होगा, H1 H2, ओके H3 H4 H5 एंड H6। बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही गेम टाइप का है ये पूरा लेसन, आप लोगों को बस दिमाग का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। H1 H2 H3 H4 एंड H5 H6 ये पूरा, फिर T का भी ऐसे ही करना है, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, बंद कर दो। अभी अभी हम काउंट करेंगे, ओके ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब अगर आप कॉइन फेंकोगे और डाइस फेंकोगे तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। इसे मैं काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना है, एन नंबर ऑफ एस विच इज़ 12। ओके तो ये इजी रहा। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। तो हमें क्या करना है, दो डिजिट नंबर बनाने, इसमें से दो डिजिट नंबर बनाने हैं और वो नंबर को वापस से रिपीट नहीं करना। जैसे 22 नहीं बोलना है, 23 और 25 हो सकता है, ओके 32 एंड 35, 52 एंड 53, नॉट 22 33 एंड 35, ये रिपीट नहीं करना है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, तो इसमें बहुत से पॉसिबिलिटीज़ है। पहला हम 2 से शुरू करते हैं, मैं एस लिखता हूँ। पहला क्या मैंने बोला था, 2 से हम शुरू करेंगे तो कौन सा नंबर ले सकते हैं, 23 एंड 25, ये हो गया, रिपीट नहीं करना है, 22 नहीं लिखना है, ये हो गया। अभी हम 3 से देखते हैं, 3 से क्या हो सकता है, 32 एंड 35, ठीक है। 5 का अगर हम देखें, 5 से क्या हो सकता है, 52 एंड 53, ठीक है। 2 से, 2 की बारी आ गई तो 2 इसके साथ खेलने गया, फिर इसके साथ, ऐसा है ट्रिकी वे में आप लोग समझो, 23 एंड 25। फिर 3 के ऊपर डाइन आया, उसने इसको पकड़ा 32 को, तो 32 बन गया। फिर 3 ने 5 को पकड़ा, 35 बन गया। फिर 5 के ऊपर डाइन आया, 5 ने 2 को पकड़ा तो 52 हो गया, और 5 ने 3 को पकड़ा तो 53 हो गया। ये एक सॉर्ट ऑफ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर नंबर ऑफ एस लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ रहा है 6। ओके तो ये काफ़ी ईजी रहा। अभी हम मेन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये तो मेन क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम देखेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 2। फिर मैं पॉज करने को कहूँगा अगर यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ तब। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर लिखा है, द एरो इज़ रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट मे स्टॉप। तो इसमें कई देखो, एक तो ऐसे एक राउंड होता है ना, ऐसा डार्ट होता है, ऐसा घूमता है, फिर आप ऐसे वो एरो फेंकते हो तो उस पर लग जाता है। तो इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ है कि एक सभी रंग पे लग सकता है। जैसे यहाँ पर कलर्स है जो है, रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल, बस इतना ही है, कॉमा क्यों डाल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो ये जो कलर्स है इसके किसी पे भी एरो लग सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है कि इस पे भी लग सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे भी लग सकता है, एनी कलर। तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पूरा लिखना है आप लोगों को, ये रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल, ओके इसको बंद कर दो। टोटल मैंने कितने कहा था, 6, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 6। तो एरो इन 6 कलरों में से कोई भी कलर पे लग सकता है, ओके बहुत ही लॉजिकल चीज़ था।
तो यहाँ पर अभी थोड़ा जगह बचा है, तो मैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा देता हूँ, ओके, फिर फोर्थ वाला पीछे कर लेंगे। इधर लिखा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द मल्टी आर द मल्टीपल ऑफ 5। ओ माई गॉड, तो आप लोगों के पास 2019 का कैलेंडर होगा, या तो मोबाइल में अगर आपके पास कैलेंडर होगा तो 2019 मार्च 2019 का कैलेंडर ओपन कीजिए और मल्टीपल ऑफ 5, ओके, जितने मल्टीपल ऑफ 5 है, जैसे अभी मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हो गया, फाइव का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 5 और 5, 10, 15, 20, 25 और 30, बिकॉज मार्च का कितना दिन होता है, मार्च में होता है 31 डेज, ये बात याद रखना। आपका कैलेंडर भी अगर आपके पास होगा मोबाइल पे तो आप ओपन कर सकते हो, एज आई सेड अभी आप मेरे पास है यहाँ पर कैलेंडर, तो मैं सैम्पल कैसे ही खोलता हूँ। अभी देखो 5 तारीख, 5 तारीख मार्च 5 कौन से दिन में आया था, ट्यूसडे, ओके, 5th मार्च ट्यूसडे को था, फिर 10th मार्च, 10th मार्च कब था, संडे को था, ओके, फिर 15th मार्च, 15th मार्च था फ्राइडे को, 20 मार्च था वेडनेसडे को, फिर 25th मार्च था मंडे को, ऐसे देखना है आप लोगों को कैलेंडर पे, और 30th मार्च था सैटरडे को। तो ये देखो इस तरह से बन गया 5 का टेबल, और हमने वो दिन भी निकाल दिए कौन से दिन थे। अभी नंबर ऑफ एस लिख दो कितना है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से काउंट करके भी आप पता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा, बोला क्वेश्चन में पूछा कि दिन का आप लोगों को भी फाइंड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फिर इसे पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोग समझ जाओगे डेफिनेटली, ओके। देन सो क्वेश्चन नंबर 4, पूरा पेज ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, पता नहीं, फिर भी चलेगा, मैं 5.3 से कंटिन्यू कर लूँगा, ओके, अगले वीडियो में। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। सो यहाँ पर इधर ऑलरेडी लिखा ही है, 2 बॉयज़ का है B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स जो है G1 एंड G2, ओके, सब लिखा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ मैंने ऑलरेडी इधर लिखा ही है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स ये भी लिखा है मैंने, लेकिन कमिटी ऑफ 1 बॉय ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो मतलब एक लड़का एक लड़की होना चाहिए ग्रुप में, कमिटी में। सो पहली बात तो B1 और G1 ले लेते, एक लड़का, ओके, एक लड़का की लड़की, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है B2 एंड G1 ले सकते, ऐसा मतलब मैंने B1 इसके साथ, फिर ये भी हो सकता है, आइदर ये लड़की G1 के साथ ये लड़का जा सकता है, या तो G1 के साथ ये लड़का जा सकता है, या आइदर B2 के साथ, यस इट इज़ पॉसिबल, B2 के साथ G1 जा सकता है, वन, ओके, फॉर एग्जांपल देखो मैंने क्या बोला था, G1 है वो आइदर इसके साथ जाएगी या फिर इसके साथ भी जा सकती है, जो मैंने हमने लिखा, फिर हमने B2 को ले लिया, ओके, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, B1 को कंसिडर करेंगे, ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ B1, B2, G1, G2, सिंपल कर देते हैं B1, बिकॉज पहले हमें बॉय का मेंशन करना है फिर गर्ल का ना, तो B1 शायद इसके साथ रह सकता है या तो इसके साथ, तो B1, G1, B1, G2, ओके, इसके साथ या तो इसके साथ, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि B2 इसके साथ जा सकता है या फिर B2, G2 के साथ, ओके, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, बाकी कुछ नहीं है, ये तो इतना ही हो गया, उसके बाद बहुत कुछ है करने के लिए, मतलब लिखने के लिए, वेट अ सेकेंड, ये तो 1, 2, 3, 4, ओके, अभी हम आगे क्या बोला उन लोगों ने कि इसका सैम्पल स्पेस लिखो, तो इसका सैम्पल स्पेस तो मैं ऐसे लिख दूंगा, जैसे देखो B1 ये पूरा लिख दो आप, जो आपने लिखा था B2 G1 वेट अ सेकेंड, हम कुछ कन्फ्यूजन में है क्या, वेट अ सेकेंड,
या तो हम एक काम करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको पूरा कैंसिल कर देता हूँ। ओके अब देखिए मैंने कैसे कहा था, बी वन से शुरू करेंगे। ओके बी वन जी वन या तो बी वन जी टू के साथ जा सकता है, या तो बी टू, बी वन का हो गया, बी वन इसके साथ या इधर इसके साथ जा सकता है, और बी टू जो है वो आयदर जी वन के साथ या तो बी टू जी टू के साथ जा सकता है। बी वन जी वन जी टू के साथ दो पॉसिबिलिटी, और बी टू जी वन जी टू के साथ। ये सिंपल, अभी कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है गैस। ओके परफेक्ट, अभी मैं सैम्पल स्पेस करता हूँ, ये पूरा लिख दो आप, कॉपी कर दो। सैम्पल स्पेस में आप लोगों को इधर वन बॉय वन गर्ल का कुछ ऐसा ये नहीं है, हो गया। और एक होगा बी वन बी टू एक साथ, या तो जी वन जी टू, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 6। आई होप आप लोग समझ गए हो। बी वन पहले लेना है, बी वन को इधर इमेजिन करो जी वन के साथ जाएगा, और एक बी वन जाएगा जी टू के साथ, फिर बी टू जी वन के साथ, बी टू जी टू के साथ। ये पूरा कॉपी कर दो, फिर बी वन बी टू जी वन जी टू पूरा कैलकुलेट करो, टोटल आएगा 6। ओके तो आई होप आप लोग समझ गए हो, इसे आप चाहे तो पॉज करके देख लो, उसके बाद हम अगला वीडियो में देखेंगे, 5.3 के बारे में सीखेंगे। ओके।